श्री राजेंद्र गावित जी, श्री राजेंद्र गावित जी, अध्यक्ष महोदय, आज मैं यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा करने के लिए खड़ा हूँ। संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने से पहले देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा परिदृश्य के महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं, क्योंकि संस्था राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक रूप से फैले हुए भौगोलिक रूप से आबादी की एक श्रृंखला को लेकर कवर करने में सक्षम और यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न क्षेत्र के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो। मैं देश के पंत प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने सभी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को किफायती और सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में काफी काम किया है। 2014 से हमारी सरकार ने नए आईआईटी, आईआईएम, आईआईटीएस, एनआईटी, एनआईडीएस की स्थापना की घोषणा की है। 2014 से हर साल एक नया आईआईटी और आईआईएम खोला जा रहा है। वर्तमान में देश में 23 आईआईटी और 20 आईआईएम है। इन विकासों के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या उल्लेखनीय मतलब वृद्धि हुई है, जो 2015 और 2016 में 3.45 करोड़ से बढ़कर 2019 और 20 में 3.85 करोड़ तक विद्यार्थियों की संख्या हो गई है। इसके अलावा मुझे इस सदन के सामने यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे सरकार के अथक प्रयास से लद्दाख को पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, पहला फॉरेंसिक विश्वविद्यालय और रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय मिला हुआ है। नया केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के संशोधन करता है और तेलंगाना के मुलुम जिले में समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव करता है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई विश्वविद्यालय की स्थापना 8.89 करोड़ की लागत से जानी नए संशोधन विधेयक के बारे में बात करते समय मेरे लिए एक समर्पित आदिवासी विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण चर्चा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तेलंगाना में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे खोला गया, इस तरह से महाराष्ट्र में भी पूरा देश में सबसे ज्यादा ट्राइबल की पॉपुलेशन है। जैसे कि जो गोंडवाना यूनिवर्सिटी है, उस गोंडवाना यूनिवर्सिटी को भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर उसमें समर्पित किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के भी जो गोंड ट्राइबल कल्चर है, जैसे कि वारली है, भील कम्युनिटी है और वहाँ पे कोकना कम्युनिटी है, जिस तरह से यहाँ पे आंध्र तेलंगाना के जो ट्राइबल को संस्कृति का बढ़ावा देने के लिए ये विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, उस तरह से महाराष्ट्र में भी जो एक अपना पालघर है, मेरे जो संसदीय क्षेत्र है, उसमें भी एक आदिवासी विश्वविद्यालय क्षेत्र खोला जाए, ताकि आज के 10वीं और 12वीं में पूरा मतलब हिंदुस्तान में आदिवासियों की एजुकेशन में ड्रॉप आउट जो है, 10वीं और 12वीं में ड्रॉप आउट होने की काफी बड़ी संख्या है, इसलिए उसको कम करने के लिए मेरे पालघर में जो कौशल्य विकास, जैसे एक केंद्रीय विद्यालय जो है वहां पे पालघर में खोला जाए, श्रीमती सुप्रिया सुले जी, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है मंत्री महोदय जी को
कि महाराष्ट्र में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाए। थैंक यू मैडम। आई स्टैंड हियर ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी।